कल भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों ने बिजली को लेकर स्थगन दिए थे, आज भ्रष्टाचार को लेकर तमाम विधायकों के स्थगन है। सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं है। सरकार के द्वारा किए जा रहे अत्याचार अनाचार पापों को देखते हुए अब तो धरती भी कांपने लगी है। और कल रात को आया भूकंप इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस के शासन को अब तो प्रकृति भी सहन करने की स्थिति में नहीं है। आपका क्या रहेगा? हम लगातार उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो जन भावना से जुड़े हुए हैं, लगातार उन मामलों को उठा रहे हैं जो आम युवा से जुड़े हुए हैं। हम उन मामलों को लगातार उठा रहे हैं जो मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी हुई, अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए, और उसके बावजूद भी सरकार ने कोई कठोर कार्रवाई नहीं की कि किस तरीके से राजस्थान के ऊपर जनता के ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचार को सरकार रोक पाए। आज सरकार को अहम बिल लाने वाली है रामलाल जी, और सरकार को चुनावी ट्रंप कार्ड भी मान रही है। जो मिनिमम गारंटी विधेयक है वो कानून लाने जा रही है, इसके साथ जो पेपर लीक जैसे मुद्दे हैं उसको लेकर नकल रोकने का भी अधिनियम लाने वाला है। देखिए, नकल के ऊपर रोकथाम करने के लिए पहले से भी बिल इसी विधानसभा के अंदर पारित हुए हैं, पहले से भी कानून बना हुआ है। लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, परीक्षा आयोजित करने वाले व्यक्ति उसके अंदर लिप्त हो जाए, और सरकार सिर्फ राजनीतिक चश्मे के आधार के ऊपर ऐसी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर पदस्थापन करना शुरू कर दे, तो मेरे ख्याल से कभी भी पेपर लीक रुक नहीं सकता। पेपर लीक तभी रुकेगा जब ईमानदार लोग संवैधानिक संस्थानों के अंदर बैठेंगे, बिना किसी भेदभाव के पेपर आयोजित करेंगे, बिना किसी भेदभाव के ईमानदारी के साथ परीक्षाएं आयोजित कराने का काम करेंगे, तभी पेपर लीक रुक सकते हैं। सरकार के नुमाइंदे पेपर लीक माफियाओं के साथ बैठेंगे, पेपर लीक माफियाओं के इंस्टीट्यूट में जाकर भाषण देकर आएंगे, तो सरकार के नुमाइंदे जब तक ईमानदारी का परिचय नहीं देंगे तब तक कितने कानून इस विधानसभा में पारित कर लो, डाक के वही तीन पात परिणाम नजर आएगा। देखिए, वीर हनुमान मंदिर सामोद के रोपिए जहां उसका एक खसरा मंदिर की खातिरदारी के नाम से बोल रहा है, वही खसरा फॉरेस्ट के गजट के अंदर भी बोल रहा है। पहले जिला कलेक्टर ने उस खसरे को राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर मंदिर की भूमि मानते हुए उसकी एनओसी जारी की गई थी, रोपिए का संचालन शुरू हुआ। कांग्रेस सरकार आने के बाद तत्कालीन जिला कलेक्टर जगरूप सिंह जी ने उसके ऊपर रोक लगाने का काम किया। अभी 1/11/2022 को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता की कमेटी के अंदर उसके डायवर्जन की प्रस्ताव पारित करके सरकार को भेजे गए। सरकार ने पहला ऑब्जेक्शन 10/5/2023 को 7 बिंदुओं का लगा के वापस फाइल को जिला कलेक्टर के अंदर भिजवा दिया कि इन आपत्तियों को दूर करने का काम करे। जिला कलेक्टर ने उन आपत्तियों को दूर करके फिर सरकार के पास भेजी। सरकार ने वापिस 6/6/2023 को फिर आपत्ति लगाकर और वापिस जिला कलेक्टर के पास फाइल को भेजने का काम किया। सरकार कहती है कि फॉरेस्ट की एनओसी देने का काम भारत सरकार का है। अगर भारत सरकार की एनओसी देने का काम है, लेकिन भारत सरकार तभी एनओसी दे सकती है जब आप विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास एनओसी के लिए भेजोगे। अभी तो सरकार की कमी खामी ही पूरी नहीं हुई। जिस दिन सरकार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास एनओसी भेजेगी, निश्चित रूप से फॉरेस्ट उसकी एनओसी जारी करेगा। लेकिन सरकार अभी तो जिला कलेक्टर और सरकार के बीच ही फाइल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि तत्काल फाइल सरकार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भेजे ताकि फॉरेस्ट की एनओसी लेकर रोपिए का संचालन शुरू हो सके।